बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पेनल कोड सीरीज़ को ही। पाकिस्तान पेनल कोड की सीरीज़ में लास्ट में हमने पढ़ा था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रेस्टेंट, सेक्शन 339 से लेकर 348 तक। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 349 से लेकर 358 तक पढ़ेंगे। सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा बता दूं आपको कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ये तीनों क्या हैं और इनके बारे में जो ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट जो है वो पढ़ेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स जनरल मीनिंग में हम जब देखते हैं तो हम जोर लगाने को फोर्स कहते हैं। जैसा कि किसी चीज़ को धक्का देना, पुश करना या पुल करना, खींचना, इसको हम फोर्स कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे जनरली तो सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए यहाँ पे खड़ा है, आप जाके उसे धक्का देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा फोर्स। उसको आप क्या कर रहे हैं? हरकत में ला रहे हैं। अगर आप मोशन कॉज कर रहे हैं, हरकत में ला रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की हरकत को चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोशन, या किसी भी चीज़ की हरकत को रोक रहे हैं, सेसेशन ऑफ मोशन, तो ये फोर्स कहलाएगा। जैसा कि मिस्टर ए जा रहा है, आप जाके उसे रोकते हैं तो ये भी फोर्स है। मिस्टर ए खड़ा हुआ है, आप जाके धक्का दे देते हैं उसे, ये भी फोर्स है। अच्छा, ये जो मोशन, चेंज ऑफ मोशन, ये सेसेशन ऑफ मोशन तीन तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये कि बॉडीली पावर से, हाथ से आपने किसी को धक्का दे दिया, बॉडीली पावर से। सेकंड, किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है जी। थर्डली, किसी भी एनिमल को इंस्टिगेट करके उसके ज़रिए आप चेंज ऑफ मोशन करें, मोशन कॉज करें वगैरह, ठीक है। एक और चीज़ भी सेक्शन 349 में डिफाइंड है, वो ये है कि मिस्टर ए जो है वो फॉर सपोज खड़ा हुआ है, कोई जाके उसको कोई सब्सटेंस, अच्छा ये सब्सटेंस है, जैसा कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब इस में हम, मैं मोशन काज कर रहा हूँ, इसको मैं हरकत में ला रहा हूँ और इसको फेंक रहा हूँ, ये जाके किसी और के बॉडी के साथ टच कर रहा है, उसको हिट हो रही है या उसके सेंस ऑफ फीलिंग को इफ़ेक्ट कर रही है, तो ये भी फोर्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं सेक्शन 350 में। अब ये जो सेक्शन था ये 349 था, 350 में चलते हैं। और 350 में क्या डिफाइंड है जी? रॉन्ग क्रिमिनल फोर्स। ये था जस्ट फोर्स, अब आ गया क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या है? क्रिमिनल फोर्स ये है, अच्छा फोर्स, क्रिमिनल फोर्स तब बनती है जब ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स ये उसमें हों। जैसा कि फोर्स इंटेंशनल फोर्स है, सेकेंडली जिसके ऊपर फोर्स यूज हो रही है उसके कंसेंट के अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट द कंसेंट, और ये जो फोर्स यूज हो रही है ये इन दो में से किसी भी एक पर्पज के लिए हो रहा है। जैसा कि टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर जो है वो उसको नॉलेज है या उसकी इंटेंशन है कि ये मैं जो फोर्स कर रहा हूँ इससे क्या हो सकता है, फियर कॉज हो सकता है, इंजरी कॉज हो सकता है, या फिर अनवाइंस क्रिएट हो सकती है, तो ये क्रिमिनल फोर्स कहलाएगी। जैसा कि एक वुमन जा रही है, ठीक है, एक औरत जा रही है, उसने बुरका पहना हुआ है, आप उसके बुरके को जो है वो पुल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो उसकी कंसेंट के बगैर कर रहे हैं, और इसके ज़रिए वो जो है फियर महसूस करती है या इरिटेट होती है या उसे कुछ नुकस इंजरी कॉज होती है, तो ये क्रिमिनल फोर्स के एम्बिट में आ जाएगा। आगे चलते हैं
असॉल्ट। असॉल्ट क्या है? अच्छा, मैं बेयर रीडिंग कम करूँगा, जो भी चीज़ ज़रा मैं समझूंगा कि बेयर रीडिंग करना लाजमी है तो वहाँ पे करूँगा, वरना बेयर रीडिंग में नहीं कर रहा। मैंने आपको समझा दिया है फोर्स की डेफिनेशन, मैंने जो बताई है वो आप ज़रा सुन लें, सुना है, और उसके बाद आप बेयर रीडिंग करेंगे तो आपको बेयर रीडिंग सही से समझ आएगा और इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं असॉल्ट। असॉल्ट अब सेक्शन 351 है। सेक्शन 351 में जो असॉल्ट डिफाइंड है, इसके मुताबिक कोई भी बंदा अगर कोई ऐसा गेस्चर या प्रिपरेशन करता है, ठीक है जी, क्या करता है, गेस्चर या प्रिपरेशन करता है, और उसकी जो है वो अच्छा, कोई भी बंदा अगर कोई गेस्चर या प्रिपरेशन करता है और उसको ये नॉलेज है कि मेरे जो ये गेस्चर या प्रिपरेशन के ज़रिए जो सामने बंदा मौजूद है वो ये समझ रहा है कि ये मुझे मारने आ रहा है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर ए यहाँ पे खड़ा है, मिस्टर बी यहाँ पे खड़ा है, मिस्टर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, और मिस्टर ए क्या करता है, उसके मुक्का दिखाता है, किसको, मिस्टर बी को मुक्का दिखाता है, और मिस्टर बी ये समझ रहा है कि ये मुझे मारने वाला है, मुझ पर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, तो ये इसे हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये असॉल्ट की डेफिनेशन में आ गया। वन मिनट। अच्छा, अब बेयर रीडिंग इसकी करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि गेस्चर कोई करे या प्रिपरेशन करे और जो दूसरा बंदा वहाँ पे प्रेजेंट है, मिस्टर बी जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये समझ रहा है कि मुझे ये मारने वाला है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, तो ये असॉल्ट की एम्बिट में आ जाएगा। अब सेक्शन 351 की आप बेयर रीडिंग करेंगे तो वो ये कहता है कि हूएवर मेक्स गेस्चर और प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली डेट सच गेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault. ये आ गया यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक explanation दिया गया है। explanation कहती है कि mere words doesn't amount to an assault. सिर्फ words जो है assault create नहीं करते, लेकिन but the words which a person uses may give to his gesture preparation such as meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault. जैसा कि सिर्फ और सिर्फ words जो है वो assault create नहीं करते, लेकिन मैं अगर कोई इससे क्यों मुक्का दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने इस पर आपको एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर ए मिस्टर बी जो कि वहाँ पर प्रेजेंट है उसको मुक्का दिखा रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपको मारने वाला हूँ, और मिस्टर बी भी ये समझ रहा है कि ये मुझे मारने वाला है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, तो ये फिर असॉल्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं सेक्शन 352। अच्छा, 352 कहता है कि पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव प्रोवोकेशन के बगैर अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स होता है तो फिर वो क्या होगा, उसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 352 में आ जाएगी। लेकिन अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करता है, यूज़ करता है, तो फिर वो सेक्शन 358 में चला जाएगा। अच्छा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है? प्रोवोकेशन मतलब किसी को इश्ताल दिलाना, इश्ताल अंग्रेजी, किसी को आपने इश्ताल दिला दिया और उसमें वो आपके ऊपर जो है वो असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है, तो फिर वो सेक्शन 358 में चला जाएगा। लेकिन अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, उसके बगैर वो असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है, तो फिर ये सेक्शन 352 में जाएगा, और इसकी जो सज़ा है वो है 3 मंथ तक की, और फ़ाइन भी है जो कि 1500 तक की है, या दोनों हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ होगा तो फिर वो सेक्शन 358 में जाएगा, मैंने आपको बताया, और उसकी सज़ा ज़रा कम है क्योंकि वो सडन प्रोवोकेशन में इश्ताल में उसने असॉल्ट किया है, तो उसकी सज़ा ज़रा कम है। यहाँ पे जो
सज़ा है वो 3 मंथ तक की है, तो वहाँ में मेरे ख्याल से 1 मंथ की सज़ा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन में यह कहा गया है कि अगर अक्यूज्ड पर्सन जो कि असॉल्ट करता है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ज़रा बेयर रीडिंग भी कर लेता हूँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। कहता है कि सडन स्टाइल अंगेजी आपके जो पनिशमेंट है उसको कम नहीं करेगी, किन सूरतों में, इन सूरतों में, इफ़ द प्रोवोकेशन इज शॉर्ट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय एन ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज टू फॉर द ऑफेंस। ऑफेंडर कुछ ऐसा करता है जिसके बाद वो अगला, जैसा कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए यहाँ पे ऐसा कुछ करता है और उसकी इंटेंशन यह है कि इसके बाद मिस्टर बी जो है मुझ पे मुझे इश्ताल दिलाएगा और उसके बाद मैं जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करूँगा या असॉल्ट करूँगा और मैं ये एक्सक्यूज़ ले लूँगा कि इसने इश्ताल दिलाया है इसलिए मैंने असॉल्ट किया है, तो ये यहाँ पे सज़ा कम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इश्ताल किसने प्रोवोक किया, इसका जो इश्ताल है उसने उसको किसने प्रोवोक किया, मिस्टर ए ने ही किया, ऑफेंडर ने ही किया। सेकेंडली, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाई एनी थिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ। अब जो कब्जा, ये एक प्लॉट है इन ओबीडियंस टू लॉ और बाय पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अब ये जो है यहाँ पे एक प्लॉट है, यहाँ पे कब्जा हो गया है, ठीक है। अब पुलिस या पब्लिक सर्वेंट आते हैं और यहाँ पे इनको उठाते हैं और वो लाफुल तरीके से करते हैं, लाफुल मैनर में करते हैं और लाफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स करते हैं। यहाँ पे जो ये रायश पजीर हैं उसको, उनको इश्ताल आ जाता है और वो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं, तो ये भी कोई सज़ा कम नहीं करेगा। थर्डली, कोई भी बंदा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट है जो कि सेक्शन 96 से 106 तक है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अगर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट को इस्तेमाल करता है, उस राइट के एक्सरसाइज में ऑफेंडर को इश्ताल आ जाता है, तो ये भी कोई सज़ा को कम नहीं करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर केस में सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं 353 पे, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कोई जाके उसके ऊपर क्रिमिनल जो है फोर्स यूज़ करता है या असॉल्ट करता है ताकि वो अपने जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज ना कर सके, ड्यूटीज़ डिस्चार्ज ना कर सके, तो ये भी ऑफेंस है 353 के मुताबिक और इसकी सज़ा जो है 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। आगे चलते हैं 354। अच्छा, 354, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। आउटरेज हर मोडेस्टी 354, यहां पे क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज हो रहा है किसी भी औरत के ऊपर कि उसकी मोडेस्टी को कम किया जाए। लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इनडिसेंट मैनर में किसी भी वुमन को असॉल्ट करना जिससे उसकी मोडेस्टी कम हो जाए, तो ये एक ऑफेंस है 354 के अंडर और इसकी जो सज़ा है वो 2 साल तक की कैद या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकती हैं। अब आता है 354A। अच्छा, ये 354 था और 354A जो है बड़ा संगीन जुर्म है, 354A जो है सब बड़ा संगीन जुर्म है, असॉल्ट और क्रिमिनल यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन एंड स्ट्रिपिंग हर ऑफ हर क्लॉथ्स। इसमें क्या है, इसमें ये है कि किसी भी वुमन पे असॉल्ट किया जाए, क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाए या क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाए और उसके कपड़े जो है वो फाड़े जाएँ
इसी हालत में उनको पब्लिक व्यू में लाया जाए, मतलब के पब्लिक में लाया जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, whoever assaults or uses criminal force to any woman and strips her of her clothes and in that condition expose her to public view shall be punished with death or imprisonment for life or shall be liable to fine. अच्छा, ये एक संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा क्या है, या तो डेथ हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और प्लस में लाजमन जुर्माना होगा. ठीक है, ये एक संगीन जुर्म है. अच्छा, यहाँ पे एक केस हुआ था अभी रिसेंटली, जो मुझे मैं इमरान वगैरह कोई नाम था, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, उसमें भी 354A लगा था और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा आई थी. मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का कोई केस था, इमरान रियाज तो वो दूसरा है, इमरान वगैरह को ही उसका नाम था. बहरहाल उस केस में भी यही ऑफेंस सेक्शन लगा था. आगे चलते हैं 355, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन. कोई भी बंदा किसी के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करता है जिसके ज़रिए वो उसकी जो इज्जत है उसको डिसऑनर करता है, उस बंदे को डिसऑनर करता है, और इसमें कोई अश्टाल अंगेजी नहीं है, तो इस ये भी एक ऑफेंस है, और 355 में इसको 2 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं. 356, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड बाय अ पर्सन. गला बैठ गया है मेरा. अच्छा, यहाँ पे क्या है, मिस्टर आकिब के पास या तो वॉच वो पहना हुआ है उसने, या फिर उसने मोबाइल जो उठाया हुआ है, इसकी थेफ्ट की अटेम्प्ट में उसके ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ होता है, असॉल्ट होता है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ होता है, तो ये भी एक ऑफेंस है, और इसकी सज़ा कितनी है जी, 2 साल तक की कैद, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती हैं. व्होएवर असॉल्ट्स और यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी व्हिच दैट पर्सन इज देन वियरिंग और कैरिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और वाइडर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years or with fine or with both. 357, assault or criminal force in attempt wrongfully to confine person. हमने पढ़ा था 339 से लेके 348 तक. क्या पढ़ा था? Wrongful restraint, wrongful confinement. अब wrongful confinement की attempt में किसी के ऊपर assault हो या criminal force use हो, तो ये भी एक offense है, और इसकी सज़ा 357 में दर्ज है कि 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है, या अच्छा 1 साल तक के कैद हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है 3,000 का, या फिर दोनों हो सकती हैं. 358 में, अच्छा मैंने आपको बताया था कि 352 में पनिशमेंट किसकी है, पनिशमेंट है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की अदरवाइज डन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, उसमें स्टाल अंगेजी नहीं था. मैंने बताया था कि अगर स्टाल अंगेजी होगा तो फिर केस किस में फॉल करेगा, किस प्रोविजन में, 358 पे. अब हम आ गए हैं 358 पे, तो पढ़ लेते हैं इसको. Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 rupees or with both. मैंने आपको 352 में भी यह बताया था कि अगर स्टाल अंगेजी होगा तो फिर वो जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो ज़रा कम हो जाती है. वहाँ पे 352 में सज़ा कितनी थी जी, 352 में सज़ा थी 3 महीने तक, और फाइन था 1500 तक की. यहाँ पे 1 महीने तक की सज़ा है, और फिर जुर्माना 600 रुपये तक की है, या फिर दोनों हो सकती हैं. ठीक है जी, ये हो गया 358. अच्छा, 358 में जो मैंने 352 में आपको एक्सप्लेनेशन बताया था स्टाल अंगेजी के, कि किन सूरतों में जो है वो
पनिशमेंट कम नहीं हो सकती, तो वहाँ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। और अब हम करते हैं इसको स्टॉप। सेक्शन 358 को हमने पढ़ लिया है, 349 से लेके 358 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किडनैपिंग पढ़ेंगे, जो कि यही चैप्टर कंटिन्यू होता है। सेक्शन 359 किडनैपिंग, अबडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।